एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सीआईसीएम क्लासेस में। मैं अमन सिंह, हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.2 के कुछ क्वेश्चन है, एक से लेकर चार। एक्सरसाइज 5 क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशिएशन। इसमें हम क्या करते हैं? अवकलन करते हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको डिफरेंशिएशन के सभी फॉर्मूले याद होंगे। याद नहीं भी है तो हम जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे फॉर्मूले लिखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वाई इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। डिफरेंशिएशन करने से पहले सबसे पहला काम क्या है? हमें फंक्शन को देखना है। इसमें फंक्शन कितने हैं? वाई इक्वल्स टू साइन एक फंक्शन है और उस फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये एक फंक्शन हो गया और दूसरा इसके फंक्शन के अंदर फंक्शन है। तो इसमें कौन सा रूल लगेगा? चैन रूल लगेगा। और चैन रूल के हिसाब से जब हम सोल्व करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स सबसे पहले किसका होगा? इस बार वाले साइन का। इसका हो जाएगा कोस, ये अंदर जो इसका थीटा है वो सेम रहेगा, फिर इंटू अब क्या होगा? अंदर होगा सोल्व। एक्स स्क्वायर का क्या होता है? अवकलन, पावर आगे और एक पावर कम। तो 2x दो में से एक है, पावर कितनी आ जाएगी? एक। और प्लस 5 का क्या हो जाएगा? 0। तो डीवाई बाई डी एक्स क्या आ गया? ये आ गया 2x cos x स्क्वायर प्लस 5। इसमें हमने कौन कौन से फॉर्मूले लगाए? सबसे पहले लगाया है साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? cos x। दूसरा फॉर्मूला लगाया हमने एक्स की पावर एन का। एक्स की पावर एन क्या होता है? पावर आगे आ जाएगी, एक पावर क्या हो जाएगी? कम। इस तरह सोल्व करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सेकंड सोल्व करते हैं। क्वेश्चन सेकंड हमारे पास वाई इक्वल्स टू कोस साइन एक्स। यहाँ भी हमारे पास फंक्शन कैसे हैं? दो फंक्शन हैं, फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन दे रखा है, वही चैन रूल लगेगा, पहले इसका होगा। यहाँ से आ गया डी वाई बाई डी एक्स। फॉर्मूला लग रहा है इसमें कोस एक्स का क्या हो जाता है? माइनस के साइन एक्स, जो उसके आगे वही कोस का क्या हो जाएगा? माइनस साइन। अब यहाँ एक्स क्या है? ये पूरा का पूरा साइन एक्स, इसके अंदर आ जाएगा साइन एक्स। फिर इंटू में दूसरा लग रहा है डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, इसका क्या होता है? कोस एक्स, ये इंटू में आ जाएगा कोस एक्स। हम इसे लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस के कोस एक्स साइन साइन एक्स। ये आ गया हमारा। ठीक है, तो हमने कितने फॉर्मूले इस क्वेश्चन में? हमने दोनों क्वेश्चनों में तीन फॉर्मूले पढ़े। साइन एक्स का होता है कोस एक्स, एक्स की पावर एन का पावर आगे आ जाएगी, पावर कम हो जाएगी, और कोस एक्स का अवकलन क्या होता है? माइनस के साइन एक्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ। क्वेश्चन थर्ड हमारे पास y इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी, सेम वही फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो डी वाई बाई डी एक्स। साइन का डिफरेंशिएशन अभी हमने पढ़ा है क्या होता है? कोस। और थीटा क्या रहेगा? जो इसके आगे पहले से लगा हुआ है, थीटा वही रहेगा जो इसके आगे, इनटू में अब अंदर वाले फंक्शन का होगा ए एक्स। ए क्या है? कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट जब मल्टीप्लाई होता है वेरिएबल के तो उसको क्या करते थे? बार। और एक्स का क्या हो जाएगा? एक्स के रेस्पेक्ट में ए, और बी का एक्स के रिस्पेक्ट में जीरो। कॉन्स्टेंट में क्या होता है? जीरो। डी वाई बाई डी एक्स बराबर इस ए को बाहर लिख दो कोस ए एक्स प्लस बी। ये आ गया हमारा सोल्यूशन। फॉर्मूले वही लगा है डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का क्या हो जाता है? कोस एक्स। और डी अपॉन डी एक्स ए एक्स का या कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स का कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा और अंदर वाले फंक्शन का होगा। और डी अपॉन डी एक्स कोई भी कॉन्स्टेंट हो, ए बी सी डी ई एफ जी कोई भी, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन फोर कह रहा है वाई इक्वल्स टू सेक टेन रूट एक्स। अब इस क्वेश्चन के अंदर कितने फंक्शन है? इस क्वेश्चन के अंदर तीन फंक्शन है, एक सेक है, एक टेन है और एक क्या है? रूट। और रूट के अंदर क्या है? एक्स। वैसे तो इसमें चार है लेकिन हम इसमें एक ही मान करते हैं, तीन है। sec, sec के अंदर tan और tan के अंदर क्या है? रूट एक्स। चैन रूल लगेगा dy by dx। सबसे पहले क्या है? sec, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec x tan x। यहाँ x का मतलब जो उसका थीटा है वो सेम रहेगा, जैसे यहाँ पे sec x था, यहाँ पे sec, sec का हो गया sec x, ये पूरा x tan root x। फिर इंटू में tan, वही सेम थीटा tan root x।
ये तो किसका हुआ, इस सेट का। फिर अंदर टेन का होगा, इन टू में टेन का डिफरेंशिएशन, टेन का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x, x क्या है टेन के अंदर रूट x। फिर किसका हो जाएगा रूट x का, किससे होगा, पावर के फॉर्मूले से। रूट x का होता है वन अपॉन टू रूट x, हमारे पास आ जाएगा आंसर dy by dx equals to वन अपॉन टू रूट x sec tan रूट x and tan रूट x sec स्क्वायर रूट x। ये हमारे पास सिंपली काम है, ये कैसे आया रूट x, रूट x को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर हाफ, रूट का मतलब क्या होती है, हाफ पावर, पावर आ जाएगी एक पावर कम हो जाएगी, माइनस में पावर होती है तो उसको नीचे भेज दी, किसकी हो जाती है प्लस की, तो माइनस हाफ नीचे जाएगा प्लस हाफ, और प्लस हाफ का मतलब वही सेम रूट। इस क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला पढ़ा, एक तो ये कोई भी कॉन्स्टेंट वेरिएबल फंक्शन जिसमें फंक्शन दे रखा है एक्स में उससे मल्टीप्लाई होगा तो कॉन्स्टेंट को डिफ्रेंशिएशन से बाहर रखेंगे, दूसरा कोई भी कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन करना हो किसी भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में क्या होगा जीरो, थर्ड sec x का sec x tan x होता है, tan x का sec स्क्वायर x होता है, और रूट x का होता है वन अपॉन टू रूट x। क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।